लोग दुआ पता है क्या मांगेंगे इनके लिए, लोग दुआ ये मांगेंगे कि भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसे माँ बाप ना दे। इनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो है इनका फेम, इनके व्यूज, इनका पैसा। उसके अलावा इन लोगों की जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज की कोई वैल्यू या इम्पोर्टेंस है। इनफैक्ट इनको अपने खुद के रिश्ते, ये जो हस्बैंड वाइफ का ढोंग रचते हैं ना एक दूसरे के लिए, भी इनके अंदर कोई इमोशंस और कोई लव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जरूरत का रिश्ता चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत का, क्योंकि भुक्कों ने पैसे कभी पहले देखे नहीं थे और नंगे लोगों के पास पैसे आ गए हैं अचानक से। अब जब पैसे आ गए हैं तो उन पैसों को जाता हुआ तो ये देखना पसंद नहीं करेंगे। खाने को जिन्हें पहले नहीं मिलता था अब उन्हें मनपसंद की चीजें मिल रही है, मनपसंद पहनने का मिल रहा है, तो ऐसी लाइफ को कौन टुकराना चाहेगा। उस ऐशो आराम की इन लोगों को आदत पड़ चुकी है, इसीलिए ये लोग किसी भी चीज से ऊपर यूज अपने पैसे और अपने फेम को रखते हैं। तो इन दोनों को ना, घायल को, टिकिता को सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। मैं हैरान होती हूँ इस घायल मलिक की एक्टिंग पे, इतनी हैरान होती हूँ कि इसको जब उठ के बोलो कि अब रोने की एक्टिंग करनी है, अब दर्द की एक्टिंग करनी है, ये बंदी चाहे रात के 1 बज रहे हो, चाहे रात के सुबह के 4 बज रहे हो, ये ऑल टाइम रोने की एक्टिंग करने के लिए एकदम रेडी रहती है। सो फ्रेंड्स, इस बारे में मैं एक हफ्ते पहले से बात करना चाह रही थी। जो थंबनेल आपने मेरी इस वीडियो में देखा है, ये थंबनेल ऑलमोस्ट 1 वीक पहले ही मैं बना चुकी थी, लेकिन मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई, कोई रिएक्शन नहीं दिया, जस्ट बिकॉज मैं किसी की पेरेंटिंग पे उंगली नहीं उठाना चाहती थी। लेकिन इन लोगों ने कल के इंसिडेंट के बाद पे ना मजबूर कर दिया है रिएक्शन देने के लिए, क्योंकि अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं रह गई है। आज इनके बच्चों को ऑलमोस्ट 4 से 4.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन डे बाय डे इनका कंटेंट इतना क्रिंज होता जा रहा है, इतना क्रिंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से आज मजबूरन मुझे यहाँ पे आके इनकी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन मार्क उठाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जिस दिन से इनके बच्चे 6 दिन के हुए थे, सिर्फ 6 दिन के, उस दिन से इन्होंने अपने बच्चों का फेस रिवील कर दिया था। इन लोगों से इतना भी सब्र नहीं हुआ आज तक का। आप कितना भी YouTube के किसी भी इन्फ्लुएंसर को, किसी भी ब्लॉगर को देख लो, उन्होंने अपने बच्चों के फेस रिवीलिंग में कम से कम 40 डेज का टाइम लिया। लेकिन इन पेरेंट्स से अपने बच्चों के कंटेंट से पैसे कमाने के लिए 40 दिन का इंतजार भी नहीं हुआ। इन्होंने 6 दिन में ही अपने बच्चों के फेस रिवील करे और उन 6 दिन के बच्चों से आज वो 4 महीने के बच्चे हो चुके हैं। एवरी डे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 नहीं, 5 व्लॉग में वो बच्चों का फुल पार्टिसिपेशन ये लोग दिखाते हैं। कैमरे की लाइट्स में उनका शूट होता है। कई बार आपने रील्स के लिए, शॉर्ट वीडियोस के लिए नितिन को इन बच्चों का शूट करते हुए देखा होगा। इन लोगों ने 6 दिन से अपने बच्चों से रोजी रोटी कमानी, पैसे कमाने शुरू कर दिए। लेकिन बात यहाँ पे रुकी नहीं, बच्चों पे इस चीज का असर बहुत पहले से ही दिखने लगा था, क्योंकि इनके बच्चे बैक टू बैक बीमार होते हैं। उससे भी इन लोगों को फर्क नहीं पड़ा कि हमारे बच्चे इतनी बार बीमार हो रहे हैं, इतनी बार ये डॉक्टर को लेके जा रहे हैं बच्चों को, इतनी बार उन बच्चों को इतनी तरीके की मेडिसिन दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद इनके ना, कहते हैं ना, ममता इनकी दहलती नहीं है। किसी भी एक्चुअल, किसी भी सेंसिटिव चीज को दिखाने के लिए ये लोग इतना ड्रामेटिक सीन क्रिएट कर देते हैं, इसीलिए तो ऑडियंस कनेक्शन नहीं कर पाती इनसे, इसीलिए इनसे कनेक्टेड नहीं हो पाती, और इसीलिए ये लोग खुद भी गाली खाते हैं और अपने बच्चों को भी गाली खिलाते हैं। एक तरफ इन लोगों ने खुद अपने कालिया को इस चीज का टैग दिया हुआ है कि वो नशेड़ी है, वो जुएड़ी है, वो चोर है, वो ये है, वो है, उसके बाद उस कालिया के भरोसे इन्होंने अपने बच्चे तक छोड़े होते हैं। आप खुद बताओ कि जिसका बैकग्राउंड हमें पता हो कि ये बंदा इस चीज का लत है, इसे इतनी गंदी चीज की इसे लत है, क्या आप लोग विश्वास में अपने बच्चे उस बंदे के हाथ में छोड़ पाओगे? इन्होंने टीकू की जिम्मेदारी तक उस कालिया को सौंपी हुई थी, उसके बाद उससे भी मन नहीं भरा इनका, तो कभी आए दिन तूबा, कभी जैद, कभी आन, कोई ना कोई उस कालिया की गोदी में नजर आता रहता। वो क्या क्या खाते होंगे, कैसी कैसी चीजें खाते होंगे, उसके बाद वो मुंह उठा के सीधा फ्लैट के अंदर घुसते हैं, सीधा रूम के अंदर घुसते हैं, कभी बच्चे को यहां से छू रहे, कभी बच्चों को यहां से छू रहे, कभी उनको यहां चूम रहे, कभी वहां चूम रहे, खांसी होती है तो बच्चों के मुंह पे खांसते हैं, एक बच्चे का जूठा दूसरे बच्चे को देंगे, दूसरे बच्चे का जूठा तीसरे बच्चे को देंगे। हद तो उस दिन हो गई
जिस दिन मैंने देखा कि टीकू ने एक लॉलीपॉप ली हुई थी और उस लॉलीपॉप को उसने बारी बारी से सारे बच्चों को चटा दिया। अभी वो बच्चे 6 महीने के भी पूरे नहीं हुए हैं और थोड़े दिन पहले घायल मलिक मैडम ये बोलती भी नजर आ रही थी कि 4 महीने का जैद हो चुका है, बस उसके बाद सॉलिड स्टार्ट हो जाएंगे, तो बिब भी मंगा के रख दी है। इन लोगों को, बेवकूफों को, अनपढ़ गंवारों को ये नहीं पता, आई एम सॉरी टू से फॉर माई लैंग्वेज, बट इन अनपढ़ गंवारों को ये नहीं पता कि बच्चों को सॉलिड 6 मंथ से शुरू कराए जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे रिचुअल्स में 6 मंथ में बच्चों को अन्नप्राशन के नाम से एक रिचुअल भी होता है जो कि हमारे गढ़वाली कल्चर में भी मनाया जाता है। उस अन्नप्राशन के दिन से बच्चों के मुंह में अन्न डाला जाता है, उनको सॉलिड सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। 4 महीने के बच्चों को ये लोग लॉलीपॉप चटा रहे हैं, वो तो 4 महीने का भी, बाकी तो 3-3.5 महीने के बच्चे उनको वो लॉलीपॉप चटा रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि इंसान चाहे पैसा कितना भी कमा ले, तमीज कभी नहीं कमा सकता। और कल से जब से सोशल मीडिया में इनके बच्चे की फोटो वायरल हो रही है ना, इन लोगों ने कल से जब से वो फोटो डाली है, लिटरली इनके पास इन लोगों ने लोगों से दुआ करने को बोली है ना, लोगों की दुआएं तो बाद में लगेंगी, पहले तो माँ की और बाप की दुआ लगती है। तुम लोग क्या दुआ करते हो अपने बच्चे के लिए, क्योंकि तुम लोगों की तो जिंदगी सिर्फ कैमरा, रील, शॉर्ट्स, व्लॉग, व्यूज यहीं तक सीमित है। तुमने वो मूवमेंट तक छोड़ा नहीं जिसमें वो बच्चा बेड में है, और तो और उसपे व्यूज बटोरने के लिए तुमने जो थंबनेल यूज करा उस पिक्चर पे, वो थंबनेल किसी भी माँ का ना दिल दहला दे। तुम लोगों ने ऐसा थंबनेल यूज करा उस बच्चे के लिए, तो तुम लोगों की जिंदगी में बच्चों की, बीवियों की, पतियों की, इंसानों की, रिश्तेदारों की कोई भी अहमियत, कोई भी इज्जत नहीं है। और ये तुम लोगों ने ना खुद ही प्रूव कर दिया। दुआएं मांगने के लिए रील डाली थी, लोगों ने भर भर के तुम लोगों को नानत भेजी है, क्रिटिसाइज किया है, बेइज्जती करी है तुम लोगों की, कि तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि जिस चीज के लिए तुम लोगों से दुआएं मांग रहे हो अपने बच्चे के लिए, तुम उसी बच्चे की नुमाइश करके व्यूज बटोर रहे हो, उसी बच्चे की नुमाइश करके, उसकी बीमारी की नुमाइश करके तुम लोग वायरल हो रहे हो। ये तो तुम लोगों के कर्म है जिनकी सजा कहीं ना कहीं तुम्हारे बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। मैं हैट्स ऑफ करती हूँ ऐसी पेरेंटिंग पे। आई डोंट नो कि भगवान उन माओं की झोली क्यों नहीं भरता जिन बेचारियों के इतने इतने सालों तक बच्चे नहीं होते, जो हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकती है, भगवान से औलाद की भीख मांगती है, ऐसी माओं की झोली क्यों नहीं भरता और ऐसे लोग और ऐसी माओं के घर में उन बच्चों को पैदा करता है जिन माओं को अपने अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं नजर आता, क्योंकि ये लोग औलाद का प्यार और ममता के लायक ही नहीं है। सो ये था मेरा रिएक्शन वीडियो, रिएक्शन भी नहीं है, मेरे दिल की कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे शेयर करने थे आप सबसे, क्योंकि कल से मेरे माइंड में ना ये बहुत सारी चीजें घूम रही थी। इनफैक्ट एक हफ्ते पहले से ही घूम रही थी, जिस दिन से मैंने उस कालिया के हाथों में 3-3 बच्चों को खिलौनों की तरह इस्तेमाल करते हुए देखा, उसी दिन से मेरे दिमाग में चीजें घूम रही थी, लेकिन मैंने रोक लिया अपने आप को। लेकिन कल वाले इंसिडेंट के बाद से मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने सबसे पहले आज उठ के यही वीडियो बनाई। आई होप कि जितनी भी माएं होंगी, जिनके अंदर भी ममता होगी, क्योंकि माँ का रूप ही ममता का होता है, पता नहीं ये लोग किस तरीके की माएं हैं जिनका ममता से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, बट दिस ड्रामा हैज टू बी एंड नाउ बिकॉज वी कांट टेक इट फर्दर।